गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल सॉल्व आवर पीरियोडिक टेस्ट ऑफ क्लास 12th। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। तो बहुत सिंपल है, द बेसिक कॉज इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। जब अपन दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे जिससे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी से वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। अगर अपन किसी भी मेथड से चार्ज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो बेसिक कॉज क्या है इसका बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Transfer of electrons from one body to other body. Next question है, in Coulomb's law, on what factors the value of force constant, मतलब electrostatic constant, जिसको अपन बोलते हैं बेटा Coulomb constant, K, depends। तो बेटा जो K है वो किस पे depend करता है? तो बेटा K depend करता है nature of the medium। जिसके अंदर चार्ज रखे हैं, जिस मीडियम में चार्ज रखे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मीडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचर ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट है, डस मोशन ऑफ ए बॉडी अफेक्ट इट्स चार्ज। तो इसका आंसर है नो। बेटा चार्ज अफेक्ट नहीं होता, मास अफेक्ट होता है। तो अपन कह सकते हैं जो चार्ज रेस्ट में है वो ही चार्ज किस में रहेगा? मोशन में। चार्ज इन मोशन। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मास डिपेंड करता है। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मास भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डाइमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। तो इसका डाइमेंशन फॉर्मूला आपको पूछा है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है? एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये दोनों चार्ज फ्री स्पेस में रखे हैं तो अपन लिख सकते हैं k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा बेटा? q1 q2 4 पाई f r स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अपन इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो q1 एंड q2, तो q1 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? q1 का डायमेंशन फॉर्मूला a1 t1। तो ऊपर दो चार्ज है तो क्या हो जाएगा बेटा? a1 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। ठीक है, और 4 पाई, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। f फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू। और r क्या बेटा? दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे आर का स्क्वायर है। तो यहां से अपन डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसका? एप्सिलॉन नॉट का। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? देखिए ये एम वन ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, एम माइनस वन एल वन और एल टू एल थ्री ऊपर जाके किसको लाएंगे? माइनस के, एल माइनस थ्री। ये टी माइनस टू है, ऊपर जाके प्लस होगा, और पहले से टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? टी की पावर फोर और ए स्क्वायर। ये हो गया बेटा डायमेंशन फॉर्मूला किसका? एप्सिलॉन नॉट का, जो क्या है? परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस डी इज एफ। डी डिस्टेंस पे दो चार्जेस रखे हैं,
उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या है बेटा, F, कैपिटल F. What distance apart should they be kept in the same medium? दोनों उसी मीडियम में रखे हुए, लेकिन अपन ने डिस्टेंस को चेंज कर दिया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा चेंज, कितना चेंज हुआ बेटा F by 3, तो आपको वो डिस्टेंस बतानी है, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, तो देखिए देखो दो पॉइंट चार्ज मान लो Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है d, कितना है d, ठीक, तो इनके बीच में लगने वाला क्या है अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसको एक को माइनस ले लेते हैं अपन, इसका नेचर चेंज करते हैं, एक पॉजिटिव नेचर का एक नेगेटिव नेचर का, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो कितना देगा अपने को F, कितना देगा F, तो बताइए बेटा F की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी D स्क्वायर, क्या हो जाएगा D स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर देखा है कि अपन ने डिस्टेंस को चेंज कर दिया, मीडियम वही है, डिस्टेंस को चेंज कर दिया तो फोर्स हो जाता है बेटा F अपॉन 3, तो आपको वो डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस को अपन चेंज करते हैं, तो देखिए चार्ज वही है Q1 और माइनस Q2, डिस्टेंस मैंने ले ली बेटा D डैश, क्या ले ली D डैश, है ना, डिस्टेंस को चेंज कर दिया, मीडियम भी वही है, तो फोर्स देखो क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है F बाई 3, क्या हो जाता है फोर्स F बाई 3, तो फोर्स होगा वो हो जाएगा F बाई 3, तो क्या हो जाएगा F बाई 3 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन नीचे डिस्टेंस D डैश का स्क्वायर, ठीक है बेटा। F की वैल्यू रख देते हैं, कितनी F की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, इस इक्वेशन में रखते हैं, तो जो वैल्यू आएगी जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी K Q1 Q2 अपॉन में 3 है 3 और D स्क्वायर, मैंने क्या किया इस इक्वेशन में जो F है इसकी वैल्यू रख दी क्या K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, और इक्वल में क्या इसके K Q1 Q2 D डैश का स्क्वायर, तो अपने को D डैश बताना, तो K Q1 से K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कैंसिल, तो जो D डैश आएगा कितना आएगा उनको D डैश का स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा 3D स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा बेटा रूट, तो जो D डैश आएगा ये D स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा D रूट में क्या लगेगा 3, तो जो न्यू डिस्टेंस है वो कितनी है d root of 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is meant by quantization of charge, तो quantization of charge के बारे में मैंने आपको बताया था कि चार्ज की क्या है प्रॉपर्टी, ठीक है, कि किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको अपन लिखते हैं टोटल चार्ज क्यू इक्वल्स टू होगा एन ई प्लस माइनस एन ई, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं पेपर में से, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल थे वो अपन सॉल्व करेंगे।